हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैंगो कुल्फी की। काफी टेस्टी लगता है, काफी आसान है बनाना। तो इस समर सीजन में मैंगो का सीजन चल रहा है, एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं मैंगो कुल्फी की रेसिपी। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दूध को उबालेंगे। तो मैंने एक चौड़े से बर्तन में, बेसिकली ये कढ़ाई है, तो इसमें मैंने 1 लीटर के करीब करीब दूध ऐड किया। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। बेसिकली चौड़े बर्तन में अगर दूध उबालते हैं ना, काफ़ी आसानी से उबल जाता है, मतलब गिरता नहीं है बेसिकली। तो आप किसी भी चौड़े बर्तन में इसको उबालें। और तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। कढ़ाई में ऐड करके हाई फ्लेम पे इसको उबाल लेंगे। पहली उबाल आने के बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं 5-7 मिनट के बाद इसमें उबाल आ गई। तो इसमें मैंने चीनी ऐड किया। तो 2 बड़ी चम्मच से चीनी का पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने। आप चाहें तो दानेदार चीनी जो होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 बड़ी चम्मच से चीनी का पाउडर ऐड किया। चूँकि दूध की भी अपनी मिठास होती है हल्की सी, तो चीनी का वो बात ध्यान में रख के चीनी का यहाँ पे इस्तेमाल करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद फिर से थोड़ी देर के लिए उबालेंगे और लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। और जो किनारे आप देख सकते हैं मलाई जम गई है, इसको स्क्रैच करके दूध में भी मिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर इसी बीच उबलते हुए दूध में हमने डाल दिया इसमें केसर के कुछ धागे। इससे क्या होता है ना, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है कुल्फी का और कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे केसर के कुछ धागे, करीब करीब 8 से 10 धागे मैंने इसमें ऐड किए। और दूध को तब तक उबालना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी नहीं हो जाए, यानी कि दूध उबलकर गाढ़ा नहीं हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं केसर की वजह से दूध का कलर काफ़ी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, और दूध भी गाढ़ी हो गई है, इसकी क्वांटिटी एकदम आधी हो गई है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे जब ये दूध उबल जाए, फिर गैस को ऑफ कर देंगे और दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया और दूध को रूम टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए दूध ये, तब आगे का प्रोसेस करेंगे। तो कुछ देर के बाद यहाँ पे दूध हमारा ठंडा हो गया, तो मैंने आगे का प्रोसेस किया। तो इस दूध में, उबले हुए दूध में क्या करेंगे, मैंगो का प्यूरी मैंने पहले से ही बना के रखा है इस तरह से। तो मैंने जस्ट पके हुए आम को, 3 आम है ये, 3 आम का प्यूरी मैंने बना लिया। जस्ट उसको चॉप कर लिया छिलके उतार के और उसको ग्राइंडिंग जार में पीस लिया। तो 3 आम की प्यूरी है ये, इसको क्या करेंगे दूध में ऐड कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने अल्फेंसो आम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो दूसरे आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आम आपको पसंद है। मार्केट में काफ़ी तरह की आम आती है, तो जो भी आपको पसंद है वो इस रेसिपी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद के आम का। तो यहाँ पे दूध में इस तरह से लगातार पहले चम्मच से मिलाएंगे। बेसिकली इतना अच्छे से मिलाना है कि ये स्मूथ हो जाए, बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए दूध और ये आम की प्यूरी। तो मैंने यहाँ पे बाद में पहले चम्मच से इसको मिक्स करने की कोशिश की, बट मुझे लगा कि हैंड विस्कर जो आता है उससे काफ़ी अच्छे से मिक्स होगा, तो मैंने हैंड विस्कर से इस तरह से इसको मिक्स किया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ हो गया ये मिक्स होकर, और कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया। ये जो आम का भी कलर था और केसर जो हमने डाले थे उसकी वजह से, तो बहुत ही अच्छा कलर आ गया और ये मिक्सचर हमारा कुल्फी वाला मिक्सचर तैयार हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से मिक्सचर तैयार करने के बाद अब कुल्फी का मोल्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे मोल्ड में अब इसको ऐड करेंगे मिक्सचर को। तो आपको जितना बनाना है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, यहाँ पे दूध की मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आम की मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध में 3 आम का इस्तेमाल किया है, मीडियम साइज़ का आम था वो इस्तेमाल किया है, उसकी प्यूरी, मतलब आम की प्यूरी। तो यहाँ पे मोल्ड में ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल के पीस इस तरह से मैंने काट लिए हैं, उसको ऐड कर देंगे, ऊपर से ढक देंगे, बेसिकली चिपका देंगे चारों तरफ से, इस तरह से सील कर देंगे। उसके बाद इसमें जो कुल्फी स्टिक आती है ना, उसको इसमें लगा देंगे। तो एल्युमिनियम फॉयल के बीच में, सेंटर में यहाँ पर इस तरह से छेद करके और इस तरह से लगा देंगे, स्टिक कर देंगे। इसी तरीके से हमको सारे के सारे बना लेने हैं, सारे मोल्ड्स में भर लेने हैं ये मिक्सचर। अगर आपके पास ये मिक्सचर बच जाता है तो ऐसे भी किसी भी डब्बे में इसको रख के डीप फ्रीज कर सकते हैं, एज ए आइसक्रीम भी इसको बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे
बना लिए। अब इसको क्या करेंगे, ये मोल्ड में ऐड करने के बाद इसको डीप फ्रीजर में करीब करीब 5 से 6 घंटे के लिए हमको रखना है, या फिर तब तक रखेंगे डीप फ्रीजर में जब तक कि ये कुल्फी जम नहीं जाए, अच्छी तरह जम जानी चाहिए। आप चाहें तो शाम को बना के ओवरनाइट भी रख सकते हैं, सुबह या दूसरे दिन इसका इस्तेमाल खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिए, इसको डीप फ्रीज कर दिया था मैंने, करीब करीब 5 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला। तो पहले एल्युमिनियम फॉइल को हटा लेंगे और ये जो मोल्ड है इसको ना नॉर्मल पानी में, मतलब रूम टेम्परेचर के पानी में, टैप वाटर में इसको, इस मोल्ड को 10 से 15 सेकंड के लिए इस तरह घुमाएंगे ना, इससे क्या होता है ना, मोल्ड से ना ये कुल्फी काफ़ी ईजिली निकल जाता है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने निकाला, कितनी आसानी से निकल गई। तो ये तरीका ये ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, पानी में मोल्ड को कुछ सेकंड के लिए ऐसे इस तरह से रखिएगा तो वो आसानी से निकल जाता है, या फिर वो आइसक्रीम हो या कोई भी चीज़ हो, जब आप डीप फ्रिज से निकालें ना तो इस पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पे उसको ज़रूर मोल्ड को इस तरह से कुछ सेकंड के लिए रखें तो आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे सेम प्रोसेस करके मोल्ड से कुल्फी को बाहर निकाल लिया। इसके ऊपर काजू या फिर अलमोंड या पिस्ता को चॉप करके गार्निश कर देंगे। आपको जो पसंद है, जो भी ड्राई फ्रूट, वो यहाँ पे गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पिस्ता और अलमोंड का इस्तेमाल किया है, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी कुल्फी की, मैंगो कुल्फी की, आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। सो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।